कल दोपहर को 2 बजे के आसपास नारायणी बाईपास पर ये यार दोस्त जा रहे थे कहीं घूमने, तो अचानक गाड़ी का संतुलन बिगड़ा इनका और डिवाइडर से टकरा के ट्रक की चपेट में आ गई है। और ये बहुत ही गंभीर हादसा है। आसपास के शोक की लहर है। कल शाम से हमारे गांव में चूल्हे नहीं जले हैं, सारे प्रतिष्ठान बंद है और उनके परिवार को बहुत दुख है, सबको दुख है। पवन पिताजी का नाम भागसिंह जी पटेल, संजय पिताजी का नाम बाबूलाल जी देवनाथ पुजारी उनके पुत्र थे, दोनों की संजय की मौके पर मौत हो गई और पवन करीबन 5 घंटे संघर्ष करने के बाद अंतिम सांस करीबन 9:45 बजे लिए। तो सब समस्त ग्रामवासियों को, उनके परिवार को बहुत दुख है, हमें भी दुख है। प्रशासन और सरकार से हमारा निवेदन है कि इनके परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और इनको जो भी चिरंजीवी है या दुर्घटना रोड किले में वो टाइम पर देकर उनको राहत प्रदान करें। एक आपके पास के ग्राम वासली का भी बताया जाए। हाँ, उनका वासली का इकलौता मनीष था, उनके यार दोस्त बता रहे थे, उनके जन्मदिन पर जा रहे थे, वापस जाके कोई जगह बुक करा के वापस शाम को दोपहर को वापस आ रहे थे, तो इनके साथ ही हादसा हुआ। क्या हो? ये सर हमारे ग्राम पंचायत बांसली में एक गरीब परिवार है मेघवंशी, जिनका नाम बाबूलाल है, उनका बच्चा जो कि कल नारेली में उनकी दुर्घटना हुई और दो बच्चे देवनगर के भी हैं। तो इस दुर्घटना के बाद में हमारे पूरे गांव में शोक की लहर छाई हुई है और बहुत ही ये दुर्घटना गलत हुई है। हमारे एक ही बच्चा है उनके और गरीब परिवार है, बूढ़े दादाजी हैं, दादी जी हैं। अच्छा, क्या मांग है, क्या है सर? ये जो भी हम ये मांग रख रहे हैं सर कि जो भी सरकार से उचित इनको मुआवजा दिलवाया जाए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिलवाया जाए, क्योंकि 3 बच्चे भी हैं, गरीब परिवार है और कमाने वाला कोई है नहीं और ये माता जी बीमार रहते हैं। मनीष एकलौता भाई था? एकलौता भाई था, एक ही लड़का है। तीन बहनों में एक ही लड़का है, वही दुर्घटना का शिकार हो गया था। कल जो नारेली बाईपास पे समाज के युवा दीपक, संजय, पवन और इनके साथ जो दुर्घटना हुई है, आज समाज शोक में है। आप सब देख सकते हैं कि समाज दुख में कितनी गहनता के साथ आज पीड़ित अपने आप को महसूस कर रहा है और मैं समाज के सभी लोगों को और परिवारजनों को यही बोलना चाहूँगा, भगवान दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार को यह सहन करने की शक्ति प्रदान करें। एक्सीडेंट होने के कारण 3 बंदे देवनगर के थे, एक मोतीसर, एक ग्वाड़िया गांव के, एक बासिली के, जिसमें 4 तो शांत हो गए और 2 सीरियस है। ग्राम पंचायत देवनगर मदनलाल गुर्जर देवनगर सर। आपके देवनगर से कौन कौन शांत हुए? एक तो दीपू गुर्जर और एक विष्णु बाबूलाल। और बासिली से? फसली से लादू जी का बच्चा है, गाँव में मनीष। हाँ, कल दोपहर को 2 बजे के आसपास नारायणी बाईपास पर ये यार दोस्त जा रहे थे कहीं घूमने, तो अचानक गाड़ी का संतुलन बिगड़ा इनका और डिवाइडर से टकरा के ट्रक की चपेट में आ गई है। और ये बहुत ही गंभीर हादसा है। आसपास के शोक की लहर है। कल शाम से हमारे गाँव में चूल्हे नहीं जले हैं, सारे प्रतिष्ठान बंद है और उनके परिवार को बहुत दुख है, सबको दुख है। पवन पिताजी का नाम भागसिंह जी पटेल, संजय पिताजी का नाम बाबूलाल जी देवनाथ पुजारी उनके पुत्र थे, दोनों की संजय की मौके पर मौत हो गई और पवन करीबन 5 घंटे संघर्ष करने के बाद अंतिम सांस करीबन 9:45 बजे लिए। तो सब समस्त ग्रामवासियों को, उनके परिवार को बहुत दुख है, हमें भी दुख है। प्रशासन और सरकार से हमारा निवेदन है कि इनके परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और इनको जो भी चिरंजीवी है या दुर्घटना रोड किले में वो टाइम पर देकर उनको राहत प्रदान करें। एक आपके पास के ग्राम वासली का भी बताया जाए। हाँ, उनका वासली का इकलौता मनीष था, उनके यार दोस्त बता रहे थे, उनके जन्मदिन पर जा रहे थे, वापस जाके कोई जगह बुक करा के वापस शाम को दोपहर को वापस आ रहे थे, तो इनके साथ ही हादसा हो गया।